खबरदार होशियार, बादल खुलकर बरसने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतालिक बड़ी पेशगोई कर दी। 27 या 28 अप्रैल को बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है, जो 6 या 7 मई तक मुल्क पर असरअंदाज रहेगा। माहिरीन ने बताया है कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध के 80 से 90% इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब के 90% इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज्यादाबारी मुतवक्के है। पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा बताया जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान के 80 से 90% इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में इस सिस्टम के जेर असर बारिश का इम्कान है, जबकि सूबे के दीगर मुकामात पर आंधी ज्यादाबारी भी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।